नाथ मोयन विसारियो लाख लोग मिल जाए मुझसे आपको बहुत है तो आप समझ को ना। सूर्य पुत्रो उद्रिग देई विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचारो प्रश्न हर तम पीड़ा हर तम मै शनि। ओ शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। 3 जुलाई सन 2013 और बुधवार का दिन है। राज का सुंदर जीवन मंत्र है ओम अलियंत विनयाय नमः। ओम अलियंत विनयाय नमः। घर में घी का दीपक जलाकर श्रद्धानुसार इस मंत्र का जाप करके घर से बाहर निकलेंगे तो दिन बहुत अच्छा बीतेगा। नमनान। और बात करते हैं बुधवार के पंचांग की। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी विक्रम संवत 2070 प्रातःकाल नक्षत्र भरणी नक्षत्र चंद्रमा मेष राशि में है। बुधवार का राहु काल दोपहर 12 बजे लेकर 1:30 बजे तक और राहु काल के दौरान शुभ कार्य नहीं करना चाहिए ऐसी मेरी सलाह है। मानो न मानो आपकी मर्जी है। नमनारायण। और अब मैं आपको नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में ले चलता हूँ। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र आपके लिए। बात करते हैं बुधवार के राशिफल की। नमो नारायण। मेष राशि। हर प्रकार से समय शुभ और अनुकूल और लाभप्रद साबित होगा। मेष राशि वालों आज की जो गणनाएं हैं वो आपको सफलता अनुकूलता शुभता और लाभता का संकेत दे रही है। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व और आपका प्रभाव बढ़ेगा। समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। धन प्राप्ति के स्रोत बढ़ेंगे और धन कोष में भी वृद्धि होगी और अपनों का पूरा प्यार मिलेगा। क्या करें परिश्रम से कार्य सफल करें। क्या ना करें गैर कानूनी कार्य ना करें। नमनान। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों सितारों की चाल मुझे अनुकूल आज नजर नहीं आ रही। जिस तरह का ग्रह योगायोग है आज स्वास्थ्य में गिरावट संभव है। यदि आप नए व्यापार में धन लगाया तो परेशानी मुझे नजर आ रही हानि नजर आ रही। आज कानूनी झंझटों से आपको दूर रहना है। शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे और यात्रा में भी लापरवाही नहीं करना कष्ट हो सकता। सुबह से लेकर शाम तक मुझे गोचर इसी तरह का नंबर आ रहा। छोटा सा उपाय श्रद्धानुसार चावल गरीब लोगों में बांटिएगा और ओम द्राम द्रीम द्रोम शा शुक्राय नमः शुक्र के बीज मंत्र का जाप करिए कष्ट नहीं आएगा। नमो नारायण। क्या करें विवाद को वार्ता से टालने का प्रयास करें। क्या ना करें चिकित्सा में कोई लापरवाही ना करें। नमनान। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों समय उत्तम विचारों की उत्तमता से आसपास का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और विचारे भी सोचे भी सारे कार्य पूर्ण होंगे। कारोबार में विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे। धन लाभ की स्थिति बनेगी। सुख और ऐश्वर्य में रुचि बढ़ेगी और मन बहुत प्रफुल्लित और बहुत ही प्रसन्नचित रहेगा। क्या करें अवरुद्ध कार्य को पूरा करें। क्या ना करें स्वास्थ्य के प्रति कोई लापरवाही ना करें। नमनान। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि शुभ फलों का सिलसिला जारी रहेगा। कारोबार में सफलता ले मिली कारोबारी परेशानियों का निवारण और कारोबार में अनुकूल मित्रों का साथ प्राप्त होगा। सरकारी कार्य में सफलता उच्च अफसरों का सहयोग नौकरी में मनोनुकूल स्थानांतरण और उन्नति भी संभव है। क्या करें थोड़ा सा आध्यात्मिक रुझान बढ़ाइए मानसिक स्थिरता बनी रहेगी। क्या ना करें राजनीतिक जोड़ तोड़ ना करें। नमनान। और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों समय परिवर्तन और शुभता का संकेत दे रहा है। आज सुख बढ़ेगा। सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। सुप्रयासों की सराहना होगी। अपनों का पूर्ण सहयोग किए गए प्रयासों के अनुकूल धन लाभ की प्राप्ति मिलेगी और धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। धन का थोड़ा सा अपव्यय नहीं इस बात पर ध्यान। आज ओकल्टम साइंस और कला के क्षेत्र में विशेष सफलता है। क्या करें मित्रों का सहयोग लें। क्या ना करें कर्ज का लेन देन ना करें। नमन बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों जिस तरह के घर योगा योग है समय का सदुपयोग करना आज बहुत जरूरी है। गोचर ठीक है। यदि आपने समय का सदुपयोग किया तो कारोबार में लाभ मिलेगा मनोनुकूल संबंध बनेंगे लेन देन के मसले हल होंगे और
पारिवारिक परेशानियों का निवारण भी होगा। और आपने व्यर्थ के कार्य में वार्तालाप में समय नष्ट किया तो खर्चा बढ़ सकता है, मानसिक और शारीरिक थकान भी महसूस करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसलिए समय का सदुपयोग करें। क्या करें, दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा अनुकूल बनाएं। क्या ना करें, अपनी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही ना करें। नमूना निर्वाद करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, आज जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और उसके सहयोग से रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा, आपकी सूझबूझ और आपकी समझदारी से कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ मिलेगा और आपकी सर्कल में बढ़ोतरी होगी। आपस का जो रिश्तों का जो है सर्कल, वो उसमें विस्तार होगा। क्या करें, लेन देन और कर्ज का निपटारा आज करना ठीक रहेगा। क्या ना करें, प्रियजनों से कटु ना बोले। नमन और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि लोग, ग्रह गोचर शुभ सितारों का शुभ संकेत। घर में मेहमानों के आवागमन से प्रसन्नता बनी रहेगी और कारोबार परिवर्तन में सुखद साबित होगा। आज कोई भी परिवर्तन आप कर दे बहुत सुख रहेगा। चाहे आप नौकरी में परिवर्तन करें, कारोबार में परिवर्तन करें, व्यवसाय परिवर्तन करें, स्थान परिवर्तन करें, हर तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए आज ठीक है। धन लाभ होगा, शास्त्र उत्साह बना रहेगा और मनोवांछित सफलता भी मिलेगी। क्या करें, संतान की सफलता के लिए थोड़ा प्रयास करना चाहिए। क्या ना करें, कार्य सफलता के लिए किसी के साथ धोखा ना करें। नमन और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों, गोचर ये संकेत दे रहे कि मायूसियों से पीछा छूटेगा, मायूसियों से छुटकारा मिलेगा, हालात में सुधार होगा और शुभ समाचार प्राप्त होंगे। संतान की शिक्षा के प्रति, संतान की दीक्षा के प्रति थोड़ा सतर्क रहना होगा और व्यर्थ के बाद विवाद से बचना होगा। जिस तरह के घर योगायोग धनराशि वालों, बस थोड़ा सा सावधानी से कदम बढ़ाइए। आज का दिन बहुत सफलता से भरा हुआ और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ति होगी। क्या करें, स्वप्रयासों से कार्य बनाए। क्या ना करें, नवीन अनुबंध आज प्रारंभ ना करें। नमन और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, शारीरिक और मानसिक तनाव का संकेत मुझे नजर आ रहा है और उसके पीछे कारण कोई नहीं, आप स्वयं है। बिना वजह आप लोगों के पीछे पड़ जाते तो लोग फिर चुप नहीं बैठेंगे। बिना सोचे समझे, बिना किसी से सलाह लिए, कान की सुनकर लोगों के पीछे मत बढ़ना, ना परेशानी आ जाएगी। कारोबार के क्षेत्र में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कार्य हो चाहे वार्ता हो, गोपनीयता बनाए रखना बहुत जरूरी है और खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या करें, पुराने मित्रों से थोड़ा सा मेलजोल बढ़ाएं। क्या ना करें, मन में असंतोष ना रखें। नमन और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, गणनाएं सफलताओं का संकेत धरी, गणनाएं प्यार भरे संपूर्ण वातावरण की संकेत धरी, वैचारिक मतभेदों से पीछा छूटेगा, जो पारिवारिक वैचारिक मतभेद उससे पीछा छूटेगा और पारिवारिक सुख शांति बढ़ेगी। भाग्य की दृष्टि से ये समय उत्तम फलों को देने वाला है। किसी विशिष्ट और शुभ कार्य का निष्पादन होगा, नए पुराने मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, अतिथि सत्कार का लाभ मिलेगा और दिन सुकून और शांति से बीत जाएगा। क्या करें, स्वजनों की थोड़ी सी मदद करके देगी और अच्छा रहेगा। क्या ना करें, धन का अपव्यय ना करें। नमन और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, आज थोड़ा सा मन बुझा बुझा सा नजर आ रहा है और मन के ऊपर आलस्य और प्रमाद को हावी न होने दें, क्योंकि आज घर में अनचाहे मेहमानों के आगमन से दैनिक दिनचर्या प्रभावित होगी, खर्चा बढ़ जाएगा, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, आपके कार्य में रुचि भी कम रहेगी। लेकिन मेरा आपसे कहना है, मायूस के ऊपर हावी नहीं होने दे, दैनिक दिनचर्या नियमित रखे, अपनों को साथ लेकर परिश्रम करें, अनुकूल फलों की प्राप्ति जरूर होगी। क्या करें, कार्य क्षेत्र में फिर बदल कर सकते हैं दोपहर 2 बजे के बाद। क्या ना करें, अनावश्यक विवाद ना करें। न मना रहे गीता 12 के 12 राशियों को राशि पर जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है, मैं कहना चाहता हूं कि सारे ग्रह नक्षत्र गणनाओं के आधार पर है और गणनाएं सटीक लेके आता हूं। यद ब्रह्मांड दत्त पिंड, जो पिंड में जो ब्रह्मांड, पिंड और ब्रह्मांड का जितना तारतम्यता कर सकता हूँ, जितना भीतर जा सकता हूँ, जितना उस अध्यात्म की वीणा को जनकारित कर सकता हूँ, उतना ही मैं आपको परोसने आता हूँ। संभव है मैं गलत हूँ, लेकिन ज्योतिष गलत नहीं है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ, ज्योतिष को ज्योतिष की आँख से देखना चाहिए। ज्योतिष में सम अपनी आँख नहीं लगे, नुकसान हो जाएगा। और मैं ये ज्योतिष विधा लेके आता हूँ, मानव हूँ, मानवीय गुण है, भूल से भी भूल हो सकती है, क्षमा करें। पर कोई चीज़ अच्छी लगती है उसे जीवन में अपनाए, आपके कल्याण के साथ भी मेरा कल्याण है। दाती महाराज राशि के लिए आते हैं और हर रोज कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि कोई भूल नहीं जाए, कि मैं आपके सवालों का जवाब इतना नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत सवाल आते हैं, बहुत मेले आती सनीदाम @gmail.com इतनी मेले आती हैं कि मैं खोलते खोलते, और आप जानते हैं 700 बेटियों का पिता हूँ, हजारों गायें हैं मेरे पास में, हैं बहुत काम है।
मैं रात दिन कार्य में लगा रहता हूँ, लेकिन तभी क्योंकि मेरे को इस विषय का नशा है, मैं इस विषय को बड़े प्यार से लेकर आता हूँ। आपकी समस्या का समाधान हो, मित्रों के सहयोग से आपके कहने पर मैंने दाती गुरुमंत्र जन्म कुंडली की रचना की, जो आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। दाती गुरुमंत्र संपूर्ण विशुद्ध ज्योतिषी विश्लेषण है, वर्षफल भी है, ग्रहों के उपाय भी है, उसमें सब कुछ। लाल किताब को ले लीजिए, अंग ज्योतिष को ले लीजिए, मांगलिक ले लीजिए, कालसर्प ले लीजिए, रत्नों के, सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। कैसे मिले तो 9717457565, ये एक नंबर है, इसे संपर्क करके आप सूचना कर, नहीं तो टीवी स्क्रीन पे सारे नंबर आ रहे, नहीं तो 9910691953 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए 9910692001 ये नंबर भी आपको पूरा सपोर्ट करेगा। मेरी वेबसाइट बहुत महत्वपूर्ण है, www.shanidham.in पे जाकर आप क्लिक करेंगे तो सब कुछ, कैसे कैसे देखना, एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे सब मिल जाएगा। आप लोगों की सुविधा के लिए प्रयास करता हूँ, मैं व्यापारी नहीं हूँ, आपको आपकी चीज़ अपने तक पहुँच जाए, जो कुछ भी खर्चा उनका लगता है वो आपसे ज़रूर लेते होंगे। दाती महाराज को इससे कोई लेना देना नहीं, मेरी तो संपूर्ण अमानंद आपकी खुशी है, उसी अमानत में मैं खुश रहता हूँ। चलिए बात करते हैं आज के उपाय। यदि आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है तो 5 ग्राम खरबूजे के बीज को छीलकर पीसी हुई शक्कर और दूध मिलाकर बच्चों को नियमित रूप से कुछ दिन पिला दीजिए, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। 100 ग्राम शंख पुष्पी को 1 लीटर पानी में डालकर उबारे, जब पानी आधा रह जाए चूल्हे से उतार कर 2 ग्राम जीरे का चून डालकर 1 गिलास गाय के दूध के साथ इसे बच्चों को सेवन करा के देखे, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। छोटे छोटे मेरे नुस्खे, छोटे छोटे मेरे उपाय, सारे नुस्खे, सारे उपाय, सारे टोटके www.shanidham.in पर मिल जाएगा। और मैंने साहित्य बहुत लिखा है नुस्खों पर और टोटकों पर, इस टीवी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप इसको मंगा लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। यदि किसी ने मिर्ची कहा दाती मार नस्कीर नक्सीर बहुत खून बहुत आता है तो मुल्तानी मिट्टी 10 ग्राम लेकर कूट ले और पानी में 1 प्यालम भिगो कर रख दे, सुबह उठकर उस ऊपर का पानी मरीज को पिला दे, नीचे बैठी मिट्टी को उसके माथे पर लगा दे, ठंडक हो जाएगी। सूखा आंवला 25 ग्राम पानी में भिगो कर रख दे, सुबह छान कर उस पानी को पी जाए, आंवलों के को पीस कर तलवों पर लगा दे, गर्मी कम हो जाएगी और नक्शे आना बंद हो। छोटे छोटे मेरे नुस्खे, छोटे छोटे मेरे उपाय, टोटके, सारे आपको www.shanidham.in में मिले। इनकी किताबें मंगाना चाहते हो तो आप टीवी स्क्रीन में देखिए, मेरे नंबर आ रहे हैं, इससे आप मंगा सकते हैं। नमो नारायण, रब्बत करते हैं दाती गुरु। एक और एक 11 होते हैं। दो व्यक्ति खड़े आप कहेंगे कि 2 है, पर मैं कहूंगा कि 11 है। आप पूछेंगे भला कैसे? इसलिए कभी भी शत्रु को न समझे कमजोर, अपने को न समझे बलवान, जो आप उन्हें कह देते हो समझ जाना अहंकार ने उस पर बोल दिया है धावा, आ गया है उसका विनाश, उसका समय नहीं कर, क्योंकि शहर की मक्खियों के पास न बंदूक है न तलवार है, शहद की मक्खियों के पास न बंदूक है न तलवार, परंतु तो प्रेम पुरुष संगठित है न, इस कारण हाथी भी उनके निकट नहीं आ सकता। दो व्यक्ति यदि मित्रता है और घनिष्ठ है और घनिष्ठता के बल पर कर सकते हैं सब पर राज, हो जाते वे 11 के समान। जो वृक्ष के साथ संघ के रूप में खड़े होते हैं वे एक दूसरे के सारे तेज आंधी के झांकों को भी सह लेते हैं। कमजोर तिनकों से बनी बनाई गई रस्सी बड़े बड़े हाथियों को भी बांध लेती है, क्योंकि एकता का किला बड़ा दृढ़ है और उसके भीतर रहकर कोई भी प्राणी दुख नहीं भोगता, इस बात का ध्यान रखना। नमोनारायण, और बात करते हैं आज के सुझाव। आज बुधवार का दिन है, 12 के 12 राशि के लोग आज के दिन पारिवारिक सुख शांति के प्राप्ति के लिए नित्यकर्म से निरुष स्नान उपरांत माँ दुर्गा के श्रीचरणों में नारियल लाल कपड़ा पर लपेट कर उस अपने 7 बार उतारकर श्रीचरणों में भेंट कर दे, बहुत लाभ मिलेगा। नमन आज इतना ही, कल के लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारे में प्रॉब्लम है तो उपाय क्या है, गले की सूजन है तो नुस्खा क्या है, साथ ही गुरुवार का अद्भुत राशिफल, अद्भुत जीवन मंत्र, अद्भुत टोटके, अद्भुत उपाय, अद्भुत नुस्खे लेकर आऊंगा, लेकिन आज इतना ही। नमन नारायण।